पे बैठे रहते थे, उनसे कहते थे पिताजी हमें गन्ना दे दो, गन्ना खाएंगे। पिताजी नहीं है, यूट्यूब पे वीडियो देखते से बात कर लो जी, हमारी वीडियो देखते हैं यूट्यूब पे। अच्छा तो सही है, थैंक यू, धन्यवाद। जरा सी देर में उनका गन्ना तैयार कर दो, सारा काम करना पड़ रहा है, गोबर भी थोप रहे हैं। हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सारे? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। भगवान से प्रार्थना करते हैं आप लोग बिल्कुल स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आपको सर्दी जुकाम खांसी कुछ भी ना लगे। सो फ्रेंड्स, अभी हम सूर्य की ताज़ी ताज़ी किरणें ले रहे हैं। जिसे भी चल गई, क्या कहते हैं इसे, कति पगला है वो, कति पगला है, मारिए मत। इतने सारे फूल मेरे लिए और एक फूल सर के लिए। तो ये फूल सर के लिए मेरी तरफ से गिफ्ट, कितना प्यारा है, मैंने तोड़ लिया। मेरे मेन गेट पे सरकारी नल है लगा हुआ, अपने घर की पहचान बता रही हूँ। जीसीपी चल रही, जीसीपी। तुरैया देखो कितनी पौड़ी तुरैया है, और क्या है, सेमी है, सेमी तुरैया। जिस किसी को भी लौकी चाहिए तो यहाँ से ले जा सकता है, लौकिया, शिवानी की भाषा में लौकिया। तो फ्रेंड्स, मेरी मम्मी ने बताया मेरे गांव में एक शनिदेव का मंदिर बना है, अभी बना है, और तो मैं उस मंदिर को देखने के लिए जा रही हूँ, आपको भी दिखाऊंगी, तो बने रही हमारे वीडियो में। और हम माता रानी के दर्शन आपको डेली कराते हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो मिलते हैं आपसे लोकेशन पहुंचने के बाद। सो फ्रेंड्स, अभी हम जा रहे हैं अपनी बहन के साथ मंदिर देखने के लिए। इसने भी कभी नहीं देखा है, मैंने भी कभी नहीं देखा है, तो आज हम दोनों लोग को मौका मिला है शनिदेव का मंदिर देखने के लिए। अभी बनाया, जल्दी बनाया है ना? हाँ अभी बनाया ना जल्दी। तो हम जा रहे हैं संदीप का मंदिर देखने, और ये मेरा खेत, और इस खेत में मेरी आई थी बारात। तो फ्रेंड्स, इसी खेत में आई थी मेरी बारात, इसी खेत में रुकी थी, देख लो आप भी कितना लंबा खेत है ये, देखो कितना लंबा खेत है, वहाँ जगह इसी में रुकी थी। चलो स्कूल नहीं चलना है, हम देखेंगे अपने गाँव को स्कूल। हमारे गांव में जैसे भी चली थी, जैसा कि हमने आपको सुबह दिखाया था, तो उसने कैसी हालत करके रख दी है गांव की, तक गंदा सा कर दिया है गांव। तो फ्रेंड्स, अभी हम गए थे पीछे से और आए हैं रोड से, और रोड आए हैं सामने से, पीछे का भी गांव दिखा दिया और ये रोड का बीच का रह गया। मामा राम राम, भाई राम राम, ए बढ़िया, आप ठीक हो? मेले 15 दिन ही गए। हाँ जे, भवानी टूट गई, मतलब दोबारा से हुई है। गाइस, हमारा पुराना घर ही है। सो फ्रेंड्स, ये है मेरी जगह, ये है मेरा पुराना घर, इसमें चाचा रहते, चाचा तो नहीं रहते, चाचा बरेली रहते हैं, और अम्मा पिताजी की दायत हो गई तो वो तो हैं ही नहीं अब, तो इस घर में अब कोई भी नहीं रहता है। ये पीछे से है, आगे से इसका मेन गेट और है, वरना हम आपको आगे से भी दिखाते। और ये हमारी जगह पड़ी हुई है, अभी तक बरकरार है। सो फ्रेंड्स, हमारा बचपन यहीं पे बीता था, और ये था बेर का पेड़, अब टूट गया, ये काफ़ी बड़ा था, यहीं से हम लोग बेर खाते थे, अब पेड़ भी गायब, हम भी बड़े हो गए। सो फ्रेंड्स, ये हमारे गाँव की गलियाँ, जो कि आपको बहुत टाइम के बाद देखने को मिली है, सौभाग्य प्राप्त हुआ है आपको हमारा गांव देखने का, क्योंकि मैं बहुत टाइम से बोल रही थी अपना गांव दिखाऊंगी, आज दिखा भाई। माई राम राम, वीडियो में देखती हो माई वीडियो। फ्रेंड्स, अब चलते हैं मंदिर की ओर, और वो ऐसा नहीं, आपका मंदिर, और ये है, ये भी है हमारी जगह अभी भी है, और ये हमारे गांव के थान,
भमसेन महाराज देर हुआ बुलाना लेखो जल्दी जल्दी आ जाने सब चप्पल निकाल दे। वाओ मंदिर तो अच्छा है। जो गए मंडी जो मंडी मुसा है ये मंडी नहीं सॉरी बना ली सॉरी सॉरी ना पथनोरो बना लो देखो कितने गंदा थोपी है हाय दही को तलंग है। सुप्रीम लिया है आपको मंडी में इसी मंडी में हमने खाया था खाना रेशू की शादी में। रेशू की शादी में खाना खाओ हमने रेशू केस ना भाई हो जब कुत्ता पल्ला है ये कौन काट उठ नाले मिले बहुत डर लगता है कुत्तन से। बेटा कहते चुप्पाएँ लेकर आओ ना काट लेंगे। सो गाइस हमारा बचपन यहाँ पे बीता था। यहाँ पे हम बहुत ज़्यादा खेलने के लिए आते थे आम तोड़ने के लिए आते थे यहाँ पे हम। हम आपको उन जगहों से परिचित करा रहे हैं जहाँ पे हम हमारा बचपन बीता था। परिचित मतलब दिखा रहे हैं। तो कैसा लगा आपको हमारा गांव इतना खूबसूरत है ना जो है जादो। वाओ सूरज अच्छे लग रहे हैं ना अच्छे लग रहे सूरज। Living life every day, late at night, not okay. All I want, and I pray. All I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me. And honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst. हम आए अब गन्ना खाने। So friends, गन्ना खाना बहुत ही अच्छा होता है। सूरज बहुत अच्छा लग रहा है इसे देखिए। सुंदर आ रहा है लोग। वाह कितना प्यारा लग रहा है ना। बड़ा प्यारा लग रहा है देखो ना। हम खाएंगे अपने खेत को गन्ना। मैं वो तो खाऊंगी। हमारे पिताजी नहीं है। पहले हमारे पिताजी थे तो वो यहीं पे बैठे रहते थे। उनसे कहते थे पिताजी हमें गन्ना दे दो गन्ना खाएंगे। पिताजी नहीं है अब मजदूर है। मजदूर छीले। मामा ये गन्ना काट दो गन्ना खाएंगे हम। सही से छीलियो। भाई इचला ही गन्ना पूरा गन्ना मेरो नीतू यूट्यूब पे वीडियो देखने से बात कर लो जी। हमारी वीडियो देखते हैं यूट्यूब पे सुंदर बनाती है कहीं ना। और अंत की वो बनाई है एक और का जो गाना गाती है उसने भागकर ना चौक पे डाल दी। अच्छा अच्छा तो हर वीडियो लाइक वाइक करते हो। मैं देखी अच्छी है अच्छी लगी। अच्छा तो सही है थैंक यू धन्यवाद। मामा जो गन्ना छील दो हम खाएंगे। जरा सी देर में मतलब गन्ना तैयार कर दो धन्यवाद क्या थैंक यू। मैं धोंगी धोए के खाऊंगा छत पर बैठ कर खाऊंगी। धोंगी यार बहुत गंदा होगा गन्ना मतलब ऐसे खा ले पकड़िए अच्छे खा के देखूं। हाँ कैसे मैं वीडियो बना रही है मैं किस पानी बहुत मजा कर रही हूँ बाबा गाँव जाएगा। देखिए आज हाथ सर होते तो दोनों एक उधर से खाते हैं। अरे तू बहुत दूर लगाई है पहाड़ उल पकाई है कहाँ। मैं रहती हूँ हिमाचल। हिमाचल गई ना हूँ ना रहती हूँ तो हूँ ना बनाती हूँ। हाँ देखिए हिमाचल सब जगह पहाड़ उल ये रिकॉर्ड दिखाए दो कि यहाँ यहाँ सारी जगह मेरे गन्ना खाना नहीं तो तुम सुनी हो सर नहीं है ना मेरे सर होते तो वो भी बाना आगे लगा दी खेत में। भैया तू ना आगे लगा दे खेत में ताऊ से गाऊंगी।
फ्रेंड्स वीडियो को यहीं पे एंड करते हूँ, और आप लोग भी गन्ना खाया करो, गन्ना खाना बहुत ही अच्छा होता है। मैं बहुत ही कम खाती हूँ गन्ना, मुँह थक जाता है ज़्यादा खाने से। सो फ्रेंड्स, आपको हमारा वीडियो का थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर आपको हमारा वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना, और बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगा तो शेयर कर देना। कमेंट में बताना आपको हमारा गांव कैसा लगा और आपको हमारा ब्लॉग कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय, टाटा। गन्ना खाना मत भूलना।